हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और आ गई अपने किचन। आप लोगों को तो पता है आज है सैटरडे और मॉर्निंग का ये लास्ट दिन है, जो कि हम लोग मॉर्निंग स्कूल जा रहे थे 6:20 से 12:10 जो टाइमिंग था, और मंडे से टाइमिंग चेंज हो गई है। आप सभी तो ये जानते होंगे। आप लोग बताइएगा ये मॉर्निंग वाला टाइमिंग आप लोग को ज़्यादा सही लगा या डे वाला लगता है, क्योंकि डे में हो जाता है पूरा दिन, फिर सुबह आधा घंटा स्कूल टाइमिंग से आधा घंटा पहले निकलना और आधा घंटा बाद आप रूम पे आते हैं, तो पूरा दिन उसमें चला जाता है। और मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मम्मी के लिए मैं बना के सुबह रख देती हूँ, नहीं तो बाबू बहुत परेशान करता, वो कुछ बनाने नहीं देता है, बस मम्मी लेके खा ले वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बाबू अभी ज़्यादा भागता है इसलिए, और अभी जिस एज में बाबू है उससे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में बच्चे माँ को ज़्यादा खोजता है, वो पूरा दिन बस मम्मी मम्मा ये सब बोलते रहता है। और नाश्ता बना के मैं बना रही हूँ बनाना शेक। आज मैं 2 केला ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आए हैं और उनके लिए भी बना रही हूँ। मम्मी अभी ब्रश नहीं की है तो इसलिए मम्मी के लिए भी मैं नहीं बना रही हूँ, और हम दोनों फिर साथ में इसे पी रहे हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। कैसा है? बढ़िया है। और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल। अभी तो गेट में ताला ही लगी थी, हस्बैंड जी इसे आकर के नीचे फिर खोल दिए, क्योंकि पहले इसे रूम से मैं ही निकल रही हूँ। और यह है मेरी स्कूटी जिससे मैं स्कूल गई, और जब मैं स्कूल से आई तो देखी केशव मेरा सो रहा है, तो मैं सोची क्यों ना अभी मैं किचन का काम कंप्लीट कर लूँ, जहाँ मैं बनाई चावल दाल और सब्जी। इतनी गर्मी लग रही थी कि बीच बीच में मैं ग्लूकोंडी भी पी रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पहले तो मैं अब नहाऊँगी, उसके बाद ही खाना खा पाऊँगी करके। और ये हमारा खाना रेडी है, जिसमें चावल दाल सब्जी सलाद और पापड़ है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और फिर किसु जग गया है तो अब किसु के साथ खाना के बाद मस्ती हो रहा है। किसु ये क्या हो रहा है? किसु अपनी फुआ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है गाइस। और ये किसु की दरोगा फुआ है, और ये देखिए जब मोबाइल में वीडियो चलता है तो ये देखेगा अच्छे से कार्टून, और किसी का वीडियो कॉल आएगा तो नहीं देखेगा। इसको पता रहता है कि हम मुझे देखने के लिए कॉल किया गया है। क्या नहीं बात करेगा? मियां ठीक कह दोगे तुम? नहीं बात करेगा? ब्लॉग में हाय कीजिए। नहीं दिख रहे हैं तो दोस्तों, यह केशव की दरोगा फुआ जो जल्दी दरोगा बन के आ रही है। तो ही जाएगा, खेलना नहीं है। इसमें इतना सारा खिलौना रखा है लेकिन इसे खेलना नहीं है। बिटू बिटू, इसे बस मम्मा के साथ रहना है। और मुझे अभी जाना है अपने स्कूटी को लेकर के। मेरा स्कूटी बीमार हो गया, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। मैं जा रही हूँ अभी TVS एजेंसी, क्योंकि मैं रख करके, और मार्केट का भी कुछ कुछ काम है, वो सब भी लेना है। जैसे कल संडे है तो कल तो मैं पूरा दिन रूम पे रहने वाली हूँ किसु के साथ, इसलिए आज ही मैं मार्केट का काम कर लेती हूँ जो भी है, और सब्जी सब लेकर के, और बाकी स्कूटी को भी दिखा देती हूँ, उसका बैटरी चेंज करवाना है, उस करवा के मैं जल्दी आती हूँ किसु के लिए। क्या चॉकलेट? चॉकलेट लेकर के इसके लिए, इसे चॉकलेट बहुत पसंद है। कितनी पसंद है? तुम्हारा जीभ क्यों निकाल के दिखा? चॉकलेट खाई है? चॉकलेट आती हो किसु? और दादी के पास जाओ। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट, जिसके लिए मैं रख लेती हूँ कुछ पैसे, क्योंकि आप बिना पैसों का मार्केट जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई सामान फिर आप ले नहीं पाएंगे। दी, बिना पैसे का मार्केट जाएंगे तो क्या सब लेके आएंगे? हाँ। मार्केट आके सबसे पहले मुझे दिखा पानी पूरी, और पानी पूरी देखते मुंह में पानी आ ही जाती है। तीखा इतना था कि मैं आ गई लस्सी पीने के लिए, और फिर मुझे याद आया कि केशव के लिए चॉकलेट भी लेना है, और डिनर में बनाने के लिए आज मैं ली मशरूम, और वहाँ से फिर निकल के मैं घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई कि देखी हस्बैंड जी भी सेम टाइमिंग पे आए थे। हम दोनों का आज टाइमिंग एक जैसा, हम दोनों का टाइमिंग सही है, एक टाइम पे आ गए। देखो पापा लस्सी पी रहे हैं। किसु को भी लस्सी पिलाइए, किसु को बहुत पसंद है। किसु को भी पिलाइए पिलाइए।
क्रिशु को दोस्तों लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको रसगुल्ला खिलाए तो इसको पसंद नहीं आता है और लस्सी पीने में बहुत तेज हो गया है। तो इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ।